झंडे बोले थे। ये सब चुनावी स्टैंड है साहब। 2022 का चुनाव आने वाला है, 5 साल चुनाव है, उपचुनाव का नतीजा देख लिया। जनता देश की, प्रदेश की नहीं है, 5 राज्यों की नहीं है, पूरे देश की जनता इसमें गुस्से में है कि महंगाई चरम में पहुंच गई। आपको नहीं लगता यूपी चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला मोदी जी ने? मास्टर स्ट्रोक क्या, ये तो पीएचडी स्ट्रोक है, ये तो पीएचडी स्ट्रोक है साहब। कुछ फर्क पड़ेगा लगता है चुनाव पे? चुनाव पे कुछ ये ज्यादा ही पड़ेगा। ये सब जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। जैसे ही आए थे 1982 में 2 सीट थी, ऐसे ही जाएंगे। लोग तो अभी से कहने लगे कि सोचेंगे, तो सोचेंगे तो सोचते रहो, सोचते रहो। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं सोचेंगे, अब हम सोचते रहो, तो जनता भी सोच रही है ना। सर किसानों को खाना भी मिलती दिख रही है, सीएनआरसी के जो आंदोलनकारी है क्या वो भी अपना फिर से हत्या करेंगे? देखो वो बात की बात है, किसान सबका, किसान पूरे देश का किसान है, और ये किसान देश को ही नहीं खिला रहा है, हिंदुस्तान को, कितने देशों को देश, हमारा देश खिला रहा है। सर जैसे अभी आपने कहा कि चुनावों को लेकर ये काम किया गया, जी जी, तो इसका मतलब आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा? आंदोलन का फर्क तो पड़ा ना, जब इनका उपचुनाव आए, मैं जैसे आपको बोला, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जैसे उपचुनाव के रिजल्ट आए, जैसे इनकी वो हुई, क्या हुआ, उपचुनाव हारे, खेला वहाँ हुआ, बंगाल में हुआ, इन्होंने तो भाई पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है, अगर सत्ता ही बन गई तभी उसको गिरा देंगे ये लोग। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, ये तो पीछे की सरकार है। मोदी जी ने आज भी कहा कि हम छोटे किसानों के लिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक तरफ कह दो, दूसरी तरफ उनको डंडा दे दो, अभी विश्वास नहीं है क्या आपको? ये तो सवाल ही पैदा नहीं है, तो जुमले की सरकार है। अब 29 तारीख को सेशन शुरू है उन्होंने? हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा सेशन, आदेश हो जाएगा, तो अभी तो एक ही समस्या समझना है, अभी बहुत समस्या है। और क्या समस्या है अभी तो बताएंगे, मोर्चा अभी बैठे, सभी मोर्चा बैठे, अभी घर नहीं जाओगे? अभी घर को तो वही फैसला करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप तो कह देते बिल वापसी, घर वापसी, आपकी बात सही है, बिल वापसी कहने से थोड़ी हो रहा है साहब, पहले तो लिखित पास हुआ है ना। आप तो पहले कहते थे कि मोदी जी बोलते नहीं, आज तो पूरा ही बोलते, बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं भाई, वो तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, किसानों के लिए, किसान आंदोलन के लिए उन्होंने आज तक नहीं बोल रहे। आप ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपको जो पेंशन मिलती थी, चाहे वो किसी भी एजेंसी में, चाहे स्टेट पुलिस है, चाहे हमारी सीआरपी पुलिस है, दूसरी पुलिस है, आर्मी है, इन्होंने कितने की पेंशन इन्होंने बर्बाद कर दी, तो सब हिसाब होगा अभी, वो तो सब हिसाब होगा ना। मेरी बात सुनो,